दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 4 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, 4 राशियों के पलटे की किस्मत, 4 राशि को होगा भयंकर नुकसान। दोस्तों अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव 4 नवंबर को एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जिससे एक साथ 3 बड़े राजयोग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 नवंबर 2023 को 8:26 पर कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। और दोस्तों यानी कि सीधी चाल के साथ शश महापुरुष योग, धन राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा, जो कि कई राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों इन राशि वालों को अब भगवान शनिदेव की कृपा से मिलेगी अपार खुशियाँ ही खुशियाँ। दोस्तों बता दें कि भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे कि अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और इन राशि वालों के जीवन में अब शनिदेव की चाल बदलने से आने वाली है अपार खुशियाँ ही खुशियाँ। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। उन्हें संतुलन बनाए रखने और न्याय करने वाला ग्रह भी कहा जाता है। शनिदेव लोगों को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनि की शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। वहीं शनि की अशुभ स्थिति व्यक्ति को बहुत कष्ट पहुंचाती है। शनिदेव जल्दी अपनी चाल बदलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शनि अभी कुंभ राशि में है और उल्टी चाल से चल रहे हैं। शनि 4 नवंबर को वक्र शिवमार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि 4 नवंबर से एक बार फिर से शनि सीधी चाल चलने वाले लोगों यानी कि चलने लगेंगे। मार्गी होकर शनि कुछ जातकों को बहुत परेशान करने वाले हैं। शनि की सीधी चाल से कुछ राशि के जातकों को नुकसान पहुंचने वाला है, तो वहीं कुछ राशि वाले जातकों को बहुत ही लाभ होने वाला है। शनि अभी अपनी स्वयं कुंभ राशि में है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ काम करने ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से शनिदेव नाराज भी होते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि शनिदेव वर्तमान में अपनी कुंभ राशि में विराजमान हैं और वह इस राशि में 2025 तक रहेंगे। बता दें कि शनि के कुंभ राशि में होने से शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। वहीं कुंभ राशि में सीधी चाल से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी शनिदेव बनाएंगे। वहीं शनिदेव मार्गी के कारण 20 साल बाद धन राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जिससे कि कुछ राशि वालों का नसीब बदल जाएगा और इन राशि वालों को बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके ऊपर शनिदेव की चाल बदलने के कारण जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव, ताकि आप लोगों के ऊपर शनिदेव की कृपा बरसती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको हम बता दें कि इन्हीं देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव को सर्वोच्च न्यायाधीश और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित दंड भी देते हैं। दोस्तों बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा अब 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा से अब इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। अब इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है। तो दोस्तों जो सबसे पहली भाग्यशाली और खुशनसीब राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि को बता दें कि अब आप के ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। भगवान शनिदेव आपके इनकम में तेजी से बढ़ोतरी दिखाएंगे, धन लाभ भी होगा और कई प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाओं का फायदा होगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। इनकम बढ़ने से मन अच्छा रहेगा। आय के धन के नए स्रोत नजर आएंगे। कई रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी इनकम बढ़ेगी। इसमें आपको भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करना है। काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, लाभ होगा। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि को बता दें कि अब आपके ऊपर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। धन इनकम बढ़ेगा,
पार्टनर में करते हैं काम तो थोड़ा पारदर्शिता रखिएगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, लंबी दूरी की यात्रा भी होगी लेकिन इसमें अपने व्यापार पर आपका फोकस रहेगा। भगवान शनिदेव की अत्यधिक कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करनी है और दान दक्षिणा करें। काली चीजों का दान करें, विशेष लाभ होगा। सफेद चीजों का भी दान करें। बात करें मिथुन राशि की तो दोस्तों मिथुन राशि को अब आपके भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलेगा। भाग में वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, शिक्षा में सुधार होगा, धार्मिक उत्सव हो सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करने का मन बना सकते हैं। हालांकि किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण कदम ना उठाएं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपको इस समय विशेषकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, लाभ होगा। शनिदेव के मंत्रों का भी जाप करें। बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपको दुर्घटना से सावधानी बरतने की जरूरत है, चोट चपेट लग सकती है, किसी के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय ना लें, वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कतें होंगी, शनिदेव आपके लिए अच्छे नहीं है, बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर डाल सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतें यानी कि यात्रा करने से भी बचें। आपको इसमें अत्यधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव के स्त्रोत का जाप करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। बात करें सिंह राशि जातकों तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा मिला जुला असर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है आपके और जीवन साथी के बीच में, यहाँ पर सामंजस्य न बैठने के कारण थोड़ी से तनाव देखने को मिलेंगे या फिर दूरियाँ बढ़ सकती है या फिर जो प्यार के लम्हे अभी तक गुजार रहे थे उसमें थोड़ी सी दूरियाँ आएंगी। पार्टनर में कोई काम करते हैं तो पारदर्शिता रखिए, विश्वास के साथ आगे करिए, ईमानदारी से करिए, लाभ होगा। दोस्तों इसमें आपको भी भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करें जिससे लाभ होगा। बात करें कन्या राशि को तो आपको किसी भी मित्र के द्वारा अपमान या फिर किसी के द्वारा धोखा मिलने का योग है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें किसी का दिल ना दुखाए, किसी के बहकावे अगर कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण ना लें, थोड़ी सी समस्या आएगी। बात करें यहाँ पर हम तुला राशि के अतको तो दोस्तों यहाँ पर संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान की ओर से कोई उपहार मिलेगा लेकिन शिक्षा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको इसमें अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने होंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव के स्त्रोत का जाप करें ताकि आपको लाभ हो। बात करें वृश्चिक राशि के जातकों तो आपके लिए शनिदेव का ये जो मार्गी चाल है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जमीन प्रॉपर्टी में इजाफा प्राप्त होगा, माता से सुख प्राप्त होगा, पिता से सहयोग की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ नए घर का निर्माण करेंगे और महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि आपको दुर्घटनाओं से सावधानी बरतने की जरूरत है, किसी से लेन देन ना करें, किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें वरना बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है, उनके स्त्रोतों का जाप करें और शनि से संबंधित दान जरूर करें। बात करें धनु राशि के आपको तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है, हालांकि छोटी यात्रा होगी, यात्रा से सावधानी बरतें, चोट चपेट ना लग जाए इसलिए सावधान रहें। किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें वरना समस्याएं भी आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बता दें कि इसमें आपके इनकम में मिला जुला असर देखने को मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। किसी को उधार कर्जा न दें, किसी के बहकावे में अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। आपको शनिदेव के मंत्र का जाप करें। दोस्तों बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मकर राशि को आपके लिए भी मिला जुला असर रहेगा, हालांकि आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा और ध्यान रखिएगा कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, यानी कि हालांकि जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होंगी, रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। तो शनि से संबंधित आप मंत्रों का जाप करें। बात करें कुंभ राशि को तो आपके ऊपर ही शनि मार्गी होने जा रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में लाभ होगा, आपको कई बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, भगवान शनिदेव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, विदेश जाने का योजना बना सकते हैं, विदेश के लिए शुभ समाचार आएगा, संतान के शुभ समाचार प्राप्त होंगे, घर परिवार में सपोर्ट, माता पिता और पत्नी से भी सपोर्ट प्राप्त होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इसमें भगवान शनिदेव से संबंधित उपाय करें, काली उड़द काले तिल का दान जरूर करें, विशेष लाभ होगा। बात करें मीन राशि के जातकों तो दोस्तों आपको बता दें कि विदेश की यात्रा होगी, हालांकि हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़े रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिलेगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आपको यानी कि फायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी होगा, विदेश से संबंधित कोई गुप्त समाचार या फिर शुभ समाचार मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों इन 12 में से 4 राशियों की लग रही है लॉटरी, 4 राशियों के बदल रही है किस्मत, तो वहीं 4 राशियों को थोड़ा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है, इसलिए सावधानी भी बरतें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें दोस्तों जय शनिदेव। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय शनिदेव।